हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में। सो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ रेसिपी जो बिहारी स्टाइल में बहुत ही चटपटा बनता है, बहुत मज़ा आता है खाने में। तो आज मैं आलू पराठा बनाने वाली हूँ, तो ब्लॉग पॉइंट तक बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते और वीडियो करते हैं स्टार्ट। आलू पराठा कैसे बनाते हैं? बस बेटा, बहुत बढ़िया। तो अभी हम जा रहे हैं आलू पराठा बनाने के लिए। तो मैं आलू को जा रही हूँ धोने के लिए। धोने के बाद इसको उबालने के लिए रख दूंगी। तो चलिए आलू को धोकर मैं उबालने के लिए बैठा देती हूँ। तो अभी हमारा आलू उबल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हमारा आलू उबल चुका है और इसी में अब हम धनिया पत्ता और लहसुन पत्ता का ऐड करके मसाला भी इसी में मिक्स करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो अभी मैं धनिया पत्ता का ऐड कर रही हूँ इसमें और मसाले ऐड करूँगी। हरा धनिया को पीस कर, हरा धनिया लहसुन को पीस लेना है मसाला, और हल्दी पाउडर लेना है अपने हिसाब से, फिर मिर्चा लेना है थोड़ा सा अपने हिसाब से, जीरा पाउडर अपने हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैं मसाला सारा ऐड कर ली हूँ और अब इसको मैं मिक्स करूँगी। तो इसको मैं अभी मिक्स कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मैं गिलास से कर रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, महीन हो जाता है। तो ब्लॉग पे बने रहें और देखिए मैं किस तरह से आलू पराठा बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अभी मैं नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं नमक डालना उस टाइम भूल गई थी। तो आप लोग याद से उस टाइम ऐड कर लीजिएगा। और इसको अब मैं मिक्स कर रही हूँ। तो इसमें मैं जवाइन को ऐड करूंगी क्योंकि जवाइन ऐड करने पर इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग भी इसमें जवाइन को ऐड कर लीजिए और इसको मिक्स कर लीजिए। देख सकते हैं कितना महीन मिक्स हुआ है। अभी और होगा, अभी पूरी अच्छी तरह से हुआ नहीं है। तो अभी हमारा आलू पराठा बनाने के लिए आलू रेडी हो गया है मसाला मिक्स करके। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाऊंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें आटा एक बार ऐड करके बनाए तो बना सकते हैं, बट मैं अभी थोड़ा सा ये ऐड करके बनाऊंगी। तो इसमें मैं आटा को ऐड कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐड करना है, अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसमें प्याज भी कट करके डाल सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं जैसे आप लोग रोटी बनाते हैं वैसे ही इसको गोला करना है और इसको फिर चल के थोड़ा सा इसमें आटा को लेना है और फिर इसको रोटी जैसे बनता है वैसे बनाना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आलू पराठा है। आप लोग चाहते हैं तो फ्राई पैन पे बना सकते हैं। तो मैं इसको कढ़ाई में तल के नहीं बना रही हूँ, मैं तावे पे बना रही हूँ। तो आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं, बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बनता है, एक बार जरूर ट्राई करें। आप लोग देख कर बताइए कैसा लग रहा है, देखने में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आप लोग। तो हमारा आलू पराठा रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार आप लोग भी जरूर बनाएं। आलू पराठा रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बनता है ये। आप लोग बना कर जरूर ट्राई करें, देखिए कितना सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में। तो अभी देखिए मैं खाने चाहने में चटनी है और आलू पराठा है, कितना सॉफ्ट और कितना टेस्टी लगता है ये खाने में, बहुत मज़ा आता है। सो गाइस, आप लोगों ने तो देखा है कि मैं आलू पराठा कैसे बनाई थी, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। बहुत मेहनत लगता है बट मज़ा आता है खाने में। तो आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करें और आप लोग किस टाइप से आलू पराठा बनाते हो कमेंट करके बताइए। और आलू पराठा एक दो तरीक़ों से बनता है, तो ये मैं दूसरा तरीका से बनाई हूँ। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और चलिए मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।